में हमें कभी न कभी अपने अलग अलग रास्तों पर जाना होगा, क्योंकि उत्तरांचल में देखने को इतना कुछ था मगर हमारे पास वक्त इतना नहीं था कि हम दोनों मिलकर वो सब देख पाते। इसलिए हमने तय किया कि वो जाकर राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देखेंगी कि वहाँ क्या क्या है, और मैं जाऊँगा मशहूर फूलों की घाटी देखने। मैं ऋषिकेश से 250 किलोमीटर दूर गोविंद घाट तक गाड़ी से पहुंचा और वहां से पैदल सफर शुरू किया। चलते चलते मैं गोविंद घाट से 13 किलोमीटर उत्तर में घांगरिया नाम के छोटे से गांव में आ पहुंचा। घांगरिया को आप बेस कैंप समझिए, जहां से फूलों की घाटी और सिखों के मशहूर गुरुद्वारे हेमकुंड साहिब का सफर शुरू होता है। 13 किलोमीटर चलने के बाद और इतनी ऊंचाई पर भी मैं ठीक महसूस कर रहा था। मैं चाहता तो आराम से टट्टू पर बैठकर भी जा सकता था, पर मैंने पैदल जाना ही पसंद किया। मैं यहाँ घांगरिया से कुछ दूर आकर बैठा हूँ, कह लीजिए कि 10,000 फुट ऊपर आसमान में बैठा हुआ हूँ। इस जगह को आप चाहें तो देवताओं का बागीचा कह लीजिए। मेरे पीछे हिमगंगा है, जिसे इस तरफ लक्ष्मण गंगा भी कहा जाता है। थोड़ी दूरी पर वहां से फूलों की घाटी का रास्ता जाता है, और आप देखिए यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। जंगल के चेक पोस्ट पर मुझे अपना गाइड रजनीश मिल गया। उसने बताया कि फूलों की घाटी, जिसका असली नाम भुइंदर घाटी है, उसे सन 1982 में राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। यह घाटी जो 10 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी है, ये नंदा देवी के संरक्षित जीव मंडल के अंतर्गत आती है और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय विरासत का दर्जा हासिल है। अब यहां से सब ऊपर। इस घाटी का 6 किलोमीटर का रास्ता मुश्किल नहीं है, पर यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं, और अचानक आई पहाड़ों की तेज बारिश ने मेरा सारा जोश ठंडा कर दिया। देखा आपने मौसम कैसे बदल गया? पहाड़ों में मौसम आधे आधे घंटे में बदल जाता है, इसलिए हर बात के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरी खुशकिस्मती थी कि बारिश जल्दी ही खत्म हो गई, और जब बादल छटने के बाद मैंने घाटी को देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर मैं दंग रह गया। यह है फूलों की घाटी, वो मशहूर फूलों की घाटी जिसकी खोज 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने की थी। जब उन्होंने भुइंदर का दर्रा पार किया और इसमें कदम रखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, वैसे ही जैसे फिलहाल मुझे नहीं हो रहा है। कितनी खूबसूरत है ये, सदियों पुरानी, इसे तो देवताओं की घाटी कहना चाहिए। दूर दराज के इस बगीचे में पश्चिमी हिमालय प्रदेश का सुंदर और अनोखा पहाड़ी इकोसिस्टम नजर आता है, जो अपने फूलों के लिए जमानों से मशहूर है। इस घाटी में दुनिया भर से वनस्पति शास्त्री और सैलानी यहाँ के 600 से भी ज्यादा किस्मों के फूलों को देखने आते हैं, जिनमें से कई और कहीं नहीं मिलते। मानसून के महीनों में ये घाटी रंग बिरंगे फूलों से भर जाती है, तभी आना चाहिए। ये कौन सा? एडलवाइस, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय फूल है ये। आहा, वो गाना आता है तुमको? एडलवाइस का नहीं सर, वो गाना तो नहीं आता। क्या बात कर रहे हो, भूल गए? वो फिल्म देखी है, साउंड ऑफ म्यूजिक? नहीं सर। चलो 1 2 3 4 एडलवाइस। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। इस शॉट को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते बिल्कुल भी। रजनीश जैसे गाइड फूलों की किस्मों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, पर मुझे एक असली वनस्पति शास्त्री भी मिल गई, और उन्होंने बताया कि इस घाटी में कितने कमाल के फूल पत्ते हैं, और उन्होंने बड़े प्यार से मेरी गलतियां भी सुधार दी। वो दिलचस्प हैं, वो जो कुकुरमुत्तो जैसे लग रहे हैं। वो अम्बेल, अम्बेली फेरी परिवार के हैं। ये अम्ब्रेला परिवार के हैं? अम्बेली फेरी, समझ गया, आप समझ गए ना? ओके, ओ याद आया, ये काउ पर्सनिप है। तो देखा आपने, काउ पर्सनिप अम्बेलिकल परिवार का, अम्बेलीफेरी परिवार का, काउ पार्सनिप। देखा आपने, इस बार सही बोला ना? आखिर में अनु बताती हैं कि क्यों इस घाटी का नाम वनस्पति शास्त्रियों और आम लोगों को एक साथ जचता है। एक वनस्पति शास्त्री के नाते मैं कह सकती हूँ कि जिसे फूलों से प्यार हो
उसके लिए इससे अच्छी कोई जगह नहीं है। और यहाँ सिर्फ फूल ही बेशुमार किस्मों के नहीं है, बल्कि इस जगह को देखिए आप, क्या जगह है देखने लायक। हर तरफ ग्लेशियर ही ग्लेशियर। कोई भले ही देवताओं को न माने, पर मैं मान ही लेती हूँ, कम से कम इस खूबसूरत जगह पर आकर। हर चीज इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर। घाटी में मेरा पसंदीदा पल वो रहा जब हम वहाँ से निकलने लगे थे कि तभी वहाँ बादलों का एक झुंड चला आया। उस वक्त उस नजारे से बढ़कर मैं कुछ और मांग भी नहीं सकता था। इतना जबरदस्त नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वैसे वहां के लिए आम बात थी, वहां दिन में 10 बार ऐसा होता होगा कि चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हर जगह फूल ही फूल हैं, और आप उनके बीच से घर लौट रहे हैं कि अचानक बादल चले आते हैं और सब पर पर्दा डाल देते हैं। जन्नत है ये,